मुरादाबाद के मूंढा पांडे क्षेत्र में मंदिर दर्शन करने आए श्रद्धालु को नशीला प्रसाद खिलाकर बेहोश कर दिया गया। लगभग 10 लोगों को नशीला प्रसाद खिलाकर आरोपी मौके से लूट करके फरार हो गया। फिलहाल सभी लोगों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो क्या हुआ, पूरी घटना बताओ। ये हम ना मंदिर आए थे, हम फिर रुके थे, छत पर रुके थे हम फिर खाना वाना खा गए और हम फिर ऊपर रुके। फिर हम तो तीनों सो गए थे, हमें झुला रहे नहीं थे हम लकड़े में। फिर ये ऊपर खाना वाना खावा के बात करते हैं, एक अंकल आता बैग लेके फिर बैठ जाता है हमारे पास ही बैठ जाता है। फिर जूस वूस सा निकालता है, कहते लो पी लो। कहते क्यों, अब ये तो नहीं पता क्या बोलते क्या नहीं बोलते, मैं तो सो रहता हूँ। फिर ये पी लेते हैं, फिर ये सो जाते हैं। फिर चाचा कहते तू जग रहा है, मैं कह रहा हाँ, जब तू सो जाना मुझे जगा दियो। मैं कहता चाचा मैं सो रहा हूँ तुम जग जाओ। फिर चाचा कहते हूँ बस, फिर मैं सो जाता हूँ। फिर खाट भी आ जाती है एकदम अचानक से, सुबह खाट मिलती है, एक बोतल से मिलती है, पैसा से गायब हो जाता है। तो कितने लोग थे जिन्हें ये जाए? 15-16 होंगे। तो सब एक ही गाँव के हैं? एक ही गांव के नहीं, हाँ बाबा तो अलग गांव के हैं, जो मेरे चाचा वाचा वो एक ही गांव के और शहर के। तो तुम लोग कहाँ गए थे? हम मंदिर गए थे। कौन सा मंदिर है? भजनपुर आया यहाँ तक। कहाँ पे है ये? जो पीछे है साइड के। तो नशा सबको एक ही आदमी ने दिया? हाँ एक ही ने पिलाया था सबको, जूस पिलाया था सबको। वगैरह इन्हें नहीं पिला रहे, वगैरह वे नहीं पियेंगे, वो नखड़े में हमारे। मम्मी गए थे ले पीले पीले, मैंने कहा मैं। तो ये कब पिलाया जूस? है कब पिलाया था? ज्यादा 10 या 10:30 के करीब के बीच में।